कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित गोरखपुर महोत्सव 2022 की बैठक में जिलाधिकारी उपाध्यक्ष गोरखपुर महोत्सव समिति एवं समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि कोविड-19 के केसों की संख्या को देखते हुए 11 एवं 12 जनवरी 2022 को आयोजित होने वाले आयोजन को स्थगित कर दिया गया जाए और महोत्सव का आयोजन आगामी कुछ माह के उपरांत किया जाएगा। महोत्सव को सम्पन्न कराने के लिए जिन अधिकारियों व कर्मचारियों को जो दायित्व दिया गया था वो अधिकारी अपने अपने दायित्वों एवं जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहेंगे, जिससे गोरखपुर महोत्सव की अगली तिथि निर्धारित होने के तत्काल बाद कार्यक्रम को सफल संपन्न कराया जा सके। जिन कलाकारों को गोरखपुर में आकर अपना प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया था उन्हीं के द्वारा कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। बैठक में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, जिला पर्यटन अधिकारी रविंद्र मिश्रा, एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। तो पेयजल और शौचालय लाइट ये तीन चीजें अनिवार्य है, जिसमें एक दो पार्किंग स्थल हमारे ऐसे जहाँ पे स्थायी टॉयलेट बने हुए पहले से, तो उसकी साफ सफाई हो जाए और साथ ही लाइट की आप जो बोर्ड वोट लगाने हो या कोई तार वार दौड़ा हो वो आप अभी से करवा शुरू कर दीजिए और काम एक दिन पहले ऐसे पहले बाकी काम कर दीजिए। हाँ, तो 13 तारीख को आपका वहाँ पे मोबाइल टॉयलेट और पानी के टैंकर ये सब लगने होंगे तो वो लगवा दीजिएगा। मंदिर के अंदर लाइट की जो व्यवस्था होनी थी उसकी क्या स्थिति है, लगे हमारे स्लैब वो टूट गई थी तो उसको एक बार देख लीजिए। जो मेला क्षेत्र है जो पहले पार्किंग रहती थी मंदिर में, अभी यहाँ पे मेला के लिए झूला वाला लग रहा है तो उधर आप जाएंगे तो वहाँ नहीं बाउंड्री के किनारे नहीं, आप मेन गेट नंबर 1 गेट से घुसेंगे अंदर तुरंत आप लेफ्ट घूम जाइए सीधा ना जाके, और सीधा जब लेफ्ट घूम के जाएंगे आगे सीधे सड़क पे जहाँ आगे चल के स्थायी थाना भी बनता है और सारे झूले वगैरह लगे हुए हैं कोलंबस और ये सब, तो वहीं पे देखेंगे वहाँ पे दिख जाएगा आपको सड़क किनारे नाली पे स्लैब है तो बाउंड्री के किनारे नहीं बल्कि सड़क के किनारे है वो ज्यादा खतरनाक है वो देख लीजिए। और आपकी जो सड़कों की मरम्मत होनी थी उसकी क्या स्थिति है? सड़क सब बन गई सर, करीब नई अंदर की बताइए सर, इसमें काम आ जाएगा। बाहर बाहर जितना था बाहर तक सब हो गया, सारा हो गया, पैचवर्क क्या कहीं कोई निर्माण हो रहा था, नालियों का नालियों पे स्लैब वगैरह का काम नाली। और आज 5 तारीख हो गया तो 4-5 दिन और बचा है, 10 तक आप सारी तैयारी कंप्लीट कर लीजिए। तो आपको क्या क्या काम कराना था जो नगर निगम के माध्यम से होना था आपका काम, उसमें कुछ प्रगति है? मेरी तो सर लगभग हम रोड से जो सामने दिखाई दे रहा है सर, मैं गली में भी जाकर नहीं देखा हूँ, इस साइड में थाने के बगल वाले नहीं लगी है, गोरखपुर थाने से ये मंदिर का अपोजिट साइड का गोरखपुर थाना जिस साइड में थाने के पीछे लगा है हमारी ड्यूटियाँ सब लू पॉइंट को लगनी है सर, हम लोग पूरा बना लिए हैं, इस रैंक के अधिकारी और कर्मचारी लगने सब लग जाएंगे, बाकी सर दो इस बार समय पड़ेगा इसमें भी। वो आपने पहले से इनको लेके भेज दिया है क्या क्या करना है? नहीं सर, अगर अभी कोई चीज बाकी रह गया हो, क्योंकि बहुत सी चीजें सिटी साहब ने लिंक के भेजी थी नगर निगम से ये काम कराना है, तो सारी चीजें हम लोगों ने फॉरवर्ड कर दी थी वो इनके से कि यहाँ यहाँ पे हमें पॉइंट बता दीजिए कि उस पॉइंट पे ये काम कराना है। ट्रैफिक को डायवर्ट देंगे यातायात किराए से धर्मशाला के साइड में या जेपी हॉस्पिटल या आरपीएफ ग्राउंड पर वही ट्रैफिक जाएगी जिसको कि मेला में जाना है, मंदिर दर्शन करने जाना है सर। बड़े वाहन सर जो बसें आएंगी उनको ये भगवती महिला महाविद्यालय सर उसी में रोक देंगे, लेकिन कुछ बड़ी बसें सर आ जाएगी, इस बार हम 1 तारीख को देखें तो टूरिस्ट बसें बहुत बड़ी बड़ी हैं सर, वो भगवती महिला के सर वो गेट में मुड़ने अंदर जा नहीं पा रही थी, फिर मैंने सर उसको करण क्रॉसिंग से मोड़ कर जो रेलवे साइड का सर रोड है लाइन वाली उस पर मैंने खड़ा करा दिया था, तो उसमें भी सर वही व्यवस्था रहेगा। वीआईपी के लिए सर मैं मंदिर प्रशासन से पूछा था तो कुछ वीआईपी पास निर्गत करेंगे तो उन गाड़ियों को सर धर्मशाला से दुर्गाबाड़ी होती है सूरज कुंड ओवरब्रिज से सर नीचे लेकर के
और पीछे से सर ग्रीन सिटी से होकर के ले आएंगे सर, और पुनः गोरखनाथ मंदिर के गेट से प्रवेश करा करके उनको पार्किंग करा देंगे और फिर उसी साइड से वो चले भी जाएंगे सर। और किसी का सर मतलब आरपीएफ ग्राउंड पे सर जो ओवरब्रिज चढ़ना है गोरखनाथ मंदिर को ओवरब्रिज से लेकर के और मंदिर एरिया तक उधर बीच में कोई वाहन नहीं चलेगा सर, ये पूरा पैदल चलने के लिए रहेगा। ये सर डाइवर्जन प्लान है। उस साइड से बरगदवा साइड से जो भी सर वाहन आएंगे महाराजगंज सिद्धार्थ नगर सुनौली से उसको सर बरगदवा सिम डाइवर्ट कर देंगे, वो नगहा क्रॉसिंग स्पोर्ट्स कॉलेज तिराहा और खजांची होते हुए इधर को आ जाएगा शहर में निकल जाना है। सबका हमें सर ऊंचाई सुरक्षित ऊंचाई फिल करवा दिया है और ट्रांसफार्मर भी जैसे पिछली बार डायरेक्शन मिला था ट्रांसफार्मर भी वहाँ पर टॉयल ट्रांसफार्मर लगा दिया है और जो साइड से विद्युत आपूर्ति की जा रही थी दो पावर हाउस ताकि अगर एक में अगर शटडाउन की स्थिति पैदा हो तो दूसरे चला जा सके। सर ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी ठीक है सर। टोपी थाना सर हम लोग नहीं बनाते नहीं पीए सिस्टम लगाना है नहीं पांच में हम लगाते हैं जूता चप्पल वाले में नहीं तो इसको बढ़ा लीजिए इसमें भी लगा दीजिए। एक बार आप एसपी सिटी साहब से बैठ के बात कर लीजिए कॉन्टेक्ट कर लीजिए वो अगर लगवा रहे हैं तो ठीक है नहीं तो आपको लगवाना है ठीक है। अब इसमें ये नहीं कहना है कि उनको लगवाना है कि उसको लगवाना है ठीक। अगर उनको वो कह रहे हैं आपको लगवाना है तो आपको लगवाना है कौन सा आपको पेमेंट देना है अपने ठेकेदार को पेमेंट करना है अपने घर से थोड़ी लगवाना है भाई। सभी जो गोरखपुर महोत्सव के लिए यहाँ उपस्थित अधिकारी हैं क्योंकि कल रात को कोविड का प्रोटोकॉल जारी हुआ है माननीय मुख्यमंत्री की बैठक के पश्चात नए गाइडलाइन जारी हुए हैं और वर्तमान में तेजी से केसेस बढ़ने की स्थिति को देखते हुए अगर सभी की पूरी समिति की सर्वसम्मति से निर्णय हो तो मेरा प्रस्ताव है कि हम इसको अभी पोस्टपोन कर दें परंतु सभी अधिकारी जिनको जिम्मेदारी दी गई वो अपनी तैयारी बरकरार रखें आचार संहिता के पश्चात हम पुनः इसको कराएंगे और को जो टूरिस्ट कॉम्प्ले वाला चल रहा है टूर ऑपरेटर वाला हो जाए कोई दिक्कत नहीं उसको करा देते हैं और 11 और 12 वाला पोस्टपोन कर देते हैं। टूर ऑपरेटर की भी सर हमने टाइप किया था सर सबका सुझाव यही था सर पोस्टपोन करा देते हैं और बढ़िया करा उसमें सर बहुत ये भी करना था सर कि टूर ऑपरेटर का हम मानसून से ना करके इंडिपेंडेंट टाइप पोजिशन वो ज़्यादा बेटर होगा सर। और सर मौसम समिति के खाते में आई हुई है सर कुछ प्रोसेस में है सर इनकी रिसीव हम लोगों को करना ही है सर जो स्पॉन्सरशिप की धनराशि आने वाली है वो खाते जो स्पॉन्सर्स हैं उनको पत्र भेज दीजिए कि अभी पैसा अभी स्थगित करना पड़ा कोविड के कारण नहीं ऑफकोर्स हम रखेंगे जी सर स्पॉन्सरशिप अभी स्थगित अभी कैंसिल थोड़ी तो स्थगित किया जा रहा है सर ठीक है। सभी सहमत हैं ठीक है तो गोरखपुर समिति की बैठक के लिए आप मीडिया को अवगत करा दीजिएगा और पोस्टपोन के लिए आप अवगत करा दीजिएगा किस कारण से हम कर रहे हैं और पोस्टपोन कर रहे हैं ये ना करो कैंसिल कर तो सहयोग का राशि सर आ जाएगी तो अच्छी है सर धीरे धीरे कर आप उसको कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं एडीएम सर वहाँ से दो इन लोगों को भेजना ठीक है सब जितना वो पहले दिया था वही लोग केवल तैयार हैं इससे भी मैंने बात कराई थी। हाँ अभी निरंतर प्रयास चलता रहे मैं भी बैठक करूंगा नहीं सर आज लिखित में भेजना पड़ता है मुख्यमंत्री आगे तो हम लोग नहीं जा सकते प्रोटोकॉल